हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो इन फैक्टर्स को जो है हम डिमांड फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा लास्ट क्लास में ये रिलेशनशिप बताता है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी का और उसके वेरियस डिटरमिनेंट्स का। तो हमने यहाँ देखा था इसमें क्यूडीसी, ये हमारा क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी था, इक्वल टू एफ। एफ का मतलब हो गया यहाँ पर फंक्शन, पी का मतलब है प्राइस, पी आर का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, Y का मतलब है इनकम, T का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, E का मतलब है एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, और O का मतलब है अदर फैक्टर्स। तो इन सभी फैक्टर्स में से हमने दो फैक्टर्स देख लिए थे, हमारे पहले दो फैक्टर प्राइस ऑफ द कमोडिटी और दूसरा हमारा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जिसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड भी देखा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे फैक्टर से, जो कि है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंज्यूमर की इनकम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, और उस समय पर ये बाकी सभी फैक्टर्स जो हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं ये कांस्टेंट रहेंगे, यानी सब चेंज आएगा कंज्यूमर की इनकम के अंदर और कमोडिटी की डिमांड के अंदर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर की अगर बात करूं तो मैं इकोनॉमिक्स के अंदर हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, क्यूडीसी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। तो इनकम में चेंज आएगा जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सभी फैक्टर्स जो है आगे कांस्टेंट रहेंगे। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर गुड्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होती है हमारी नॉर्मल गुड्स, दूसरा होता है हमारा इन्फीरियर गुड, और तीसरा होता है हमारा नेसेसरी गुड्स। तो अगर बात करें सबसे पहले नॉर्मल गुड्स की, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स विद द राइज इन इनकम डिमांड राइजेस एंड वाइस वर्सा। अब ये को क्या कह रहा है, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, यानी ठीक ठाक प्रोडक्ट। एक नॉर्मल सैलरी इनकम या फिर कोई एक नॉर्मल बिजनेस करता है तो वो जिन कमोडिटी को इस्तेमाल करता है, जिन सामान को इस्तेमाल करता है, वो सारे हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं, जिनको आप डे टू डे रूटीन के अंदर परचेस करते हो, कंज्यूम करते हो, वो सब हमारे नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। एक होता है इन्फीरियर गुड्स। अब देखो इनके बीच डिफरेंस समझो, इन्फीरियर कौन सा गुड होता है, इन्फीरियर गुड होता है जिसकी क्वालिटी नॉर्मल गुड्स से कम होती है। इन्फीरियर गुड होते हैं चीप क्वालिटी प्रोडक्ट, जिनकी क्वालिटी बेकार होती है, मतलब सस्ता सामान, जो सस्ता सामान है वो हमारा इन्फीरियर की कैटेगरी में आता है, और जो अच्छा सामान है वो हमारा नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। तो नॉर्मल गुड्स या फिर कोई इन्फीरियर गुड्स, ये दोनों की पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसकी इनकम के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट नॉर्मल होता है, कोई प्रोडक्ट इन्फीरियर होता है। जैसी जिसकी इनकम होगी उसके हिसाब से वो तय करेगा कि उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट नॉर्मल है, कौन सा प्रोडक्ट इन्फीरियर है। तो कोई भी प्रोडक्ट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वही प्रोडक्ट जो है वो इन्फीरियर हो सकता है। डिपेंड करता है उसकी इनकम कितनी है। फिर भी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के। तो अगर बात करें हम नॉर्मल गुड्स की, तो नॉर्मल गुड्स के अंदर आ गया हमारा फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क अच्छी क्वालिटी का मिल्क होता है। यही बात करें हम टोंड मिल्क, वो इससे थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी का मिल्क होता है। फुल क्रीम मिल्क और टोंड मिल्क को अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी कौन सी होगी, फुल क्रीम मिल्क की। उसके बाद आएगा हमारा टोंड। तो टोंड हमारा इन्फीरियर हो सकता है एज कम्पेयर टू फुल क्रीम मिल्क। तो फुल क्रीम मिल्क हमारा नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आ जाता है। सुपीरियर ग्रेन्स जो हमारा अच्छा वाला अनाज होता है, एक होता है हमारा इन्फीरियर ग्रेन्स जो हमारा बेकार क्वालिटी का अनाज होता है। तो सुपीरियर ग्रेन्स के अंदर आता है हमारा वीट राइस। तो वीट राइस हमारे सुपीरियर ग्रेन है, ये अच्छी क्वालिटी का अनाज है हमारा। वहीं अगर मैं बात करूँ शर्ट जीन्स टी एक्सेट्रा जो आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हो, तो ये शर्ट जीन्स ये सब हमारे लिए नॉर्मल गुड्स है। और एक और होता है हमारा लग्जरी गुड। अगर लग्जरी गुड की बात करें तो लग्जरी गुड क्या होगा, कार एसी एक्सेट्रा। आज के टाइम पे ये सब लग्जरी नहीं रह गया है, लेकिन आप अगर एक पुअर पर्सन के नजरिए से देखो तो ये सब लग्जरी है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो सभी के लिए बनी होती है, ऊपर से लेके नीचे तक, सबसे अमीर आदमी से लेके सबसे गरीब आदमी तक। तो एसी कार ये सब आपके लिए लग्जरी गुड है। तो चाहे फिर केस नॉर्मल गुड्स का हो, चाहे फिर केस लग्जरी गुड का हो, दोनों ही के केस में अगर आपकी इनकम बढ़ती है विद द राइज इन इनकम डिमांड राइजेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट, मतलब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, वो तो आपको ही पता है। अगर आप जो है 15,000 rupees पर मंथ इनकम कमाते हो, लेकिन अचानक से आपकी इनकम जो है 15,000 से 20,000-25,000 हो जाए, तो जैसी आपकी इनकम बढ़ेगी आप जो है ज्यादा सामान खरीदना शुरू कर दोगे, आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, तो हर किसी के साथ होता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से जब आपकी इनकम डिक्रीज हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, तो आपकी डिमांड भी घट जाएगी। तो राइज इन इनकम डिमांड राइजेस, फॉल इन इनकम डिमांड फॉल। तो नॉर्मल और लग्जरी गुड्स में हमारा रूल क्या है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी, सिंपल सी बात है। तो सुपीरियर गुड्स आर जनरली नोन एज नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स को हम सुपीरियर गुड्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पर इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स हो चाहे लग्जरी गुड्स हो, दोनों के केस में इनकम इफेक्ट हमारा पॉजिटिव है। आप देखो यहाँ पर इनकम बढ़ी है तो आपकी डिमांड बढ़ी है, इनकम घटी है तो आपकी डिमांड घटी है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम और डिमांड के बीच। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट हमारा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है नॉर्मल गुड्स के केस में। एग्जांपल देख लेते हैं, अ पर्सन परचेज 2 liters ऑफ मिल्क डेली व्हेन हिज मंथली इनकम इज ₹6,000। तो एक पर्सन की अगर मंथली सैलरी ₹6,000 है तो वो डेली का 2 liters दूध खरीदता है। बट इफ हिज मंथली इनकम गोज अप टू से ₹10,000, हिज डिमांड फॉर मिल्क मे राइज टू 3 liters डेली। तो अगर उसी पर्सन की इनकम 6,000 से 10,000 हो जाए,
यानी उसकी मंथली इनकम इंक्रीज हो जाए तो वो दूध की डिमांड जो है डेली की 2 लीटर से 3 लीटर कर देगा। यानी उसने क्या करा, जैसी उनकी इनकम बढ़ी उसने सोचा चलो भाई कमाई बढ़ गई, अब ज्यादा ज्यादा दूध पियेंगे, अब दूध का दही भी जमाएंगे, दूध के और मिठाइयां भी बनाएंगे। तो हुआ क्या, इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर गई। तो यही होता हमारे साथ नॉर्मल और लग्जरी गुड्स के अंदर। लेकिन अगर बात करें हमारे दूसरे टाइप के गुड्स की जो कि है इंफीरियर गुड्स, तो इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं पहले ही देख लेते हैं। इंफीरियर गुड्स होते हैं हमारे कोर्स ग्रेन, यानी वो जो मोटा अनाज होता है ना, कोर्स ग्रेन, ज्वार, बाजरा, बारले, ये सब चीजें हमारी इंफीरियर गुड्स होती है, लो क्वालिटी का गुड्स। जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इस टाइप के इंफीरियर गुड्स। तो आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर कितने सारे लोग जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन भी है, खादी क्लोथ्स भी हमारा इंफीरियर गुड्स के अंदर आता है। तो किसी भी पर्सन को इसको खरीदने का शौक नहीं होता या जरूरत नहीं होती, मजबूरी होती है। इंफीरियर गुड्स खरीदना एक मजबूरी होती है क्योंकि उस पर्सन की इनकम इतनी नहीं है कि वो नॉर्मल गुड्स खरीद सके। अगर उसकी इनकम होती कि वो नॉर्मल गुड्स इस्तेमाल कर सकता तो वो इंफीरियर गुड्स क्यों खरीदता। तो इस केस में होता क्या है, राइज इन इनकम डिमांड फॉल्स। आपकी इनकम अगर बढ़ गई तो आपकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड घट जाएगी एंड वाइस वर्सा। यही अगर आपकी इनकम घट गई, कम हो गई, तो आपके इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखो इसको समझो, कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से शौक में आके इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदता, उसकी मजबूरी है। लेकिन अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं नॉर्मल गुड्स खरीदूंगा, मैं अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट में जाऊंगा। तो वो क्या करेगा, इंफीरियर गुड्स की डिमांड को घटा देगा, वो इंफीरियर गुड्स को खरीदने की बजाय अब नॉर्मल गुड्स खरीदना शुरू कर देगा। लेकिन अगर वही कोई पर्सन नॉर्मल गुड्स खरीदता है लेकिन उसकी इनकम जो है एकदम ड्रास्टिकली घट गई, बहुत ज्यादा कम हो गई, तो वो क्या करेगा, अब उसको मजबूरी में आके इंफीरियर गुड्स खरीदने पड़ेंगे। तो इनकम अगर किसी कम हो जाती है तो वो इंफीरियर गुड्स खरीदना शुरू कर देता है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया इंफीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी भी हुई है, एन इंक्रीज इनकम लीड्स टू फॉल इन डिमांड। तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड घट जाएगी, बिकॉज हाउस होल्ड कैन नाउ अफोर्ड टू बाय नॉर्मल यानी सुपीरियर गुड्स। तो जैसी उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसके बाद से वो अफोर्ड कर पाएगा नॉर्मल गुड्स को, और नॉर्मल गुड्स अफोर्ड कर पाएगा तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को घटा देगा। फॉर एग्जाम्पल, विद द इंक्रीज इन इनकम अ कंज्यूमर मे स्टार्ट यूजिंग व्हीट इन प्लेस ऑफ बार्ले और बाइंग फुल क्रीम मिल्क इन प्लेस ऑफ टोन। इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। देखो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये इंफीरियर गुड्स आएगा यहाँ पर इसकी जगह। अब देखो यहाँ पर इसकी जगह इंफीरियर गुड्स आएगा, नॉर्मल गुड्स नहीं आएगा। तो इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव होगा इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन आपकी डिमांड घट रही है। देख लो उल्टा हो रहा है, इनकम बढ़ रही है डिमांड घट रही है, और अगर इनकम घट जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच। तो यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है, दोबारा आप यहाँ पे देखो, इनकम इफेक्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स इज पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट जो होगा वो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमारा। वहीं अगर बात करें, बट दैट ऑफ इंफीरियर गुड्स इज नेगेटिव। तो इंफीरियर गुड्स की बात आती है तो इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव हो जाता है। समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेसेसरी गुड्स, हमारे तीसरे टाइप का गुड्स। इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स क्या होता है, फूड क्लोथिंग शेल्टर। तो रोटी, कपड़ा, मकान, सिंपल सी बात है, सबको पता है ये तीनों जीने के लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। तो ये तीनों चीजें चाहिए। इनिशियली विद द राइज इन इनकम डिमांड में राइज टिल द पॉइंट कंज्यूमर डज नॉट अटेन द पोजीशन ऑफ सैचुरेशन फुल सेटिस्फेक्शन। वंस कंज्यूमर अटेन द पोजीशन ऑफ सैचुरेशन हिज डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स विल बिकम कांस्टेंट विद राइज इन इनकम। इनिशियली क्या होता है, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है, यानी स्टार्टिंग में जब आपकी इनकम इंक्रीज करेगी ताकि नेसेसरी गुड्स की डिमांड इंक्रीज करेगी, लेकिन वो एक पॉइंट तक इंक्रीज करेगी। वो कौन सा पॉइंट होगा, वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आप सैचुरेशन के पॉइंट में पहुंच जाओगे। सैचुरेशन मतलब होता है फुल सेटिस्फेक्शन। तो देखो अगर फूड की बात करें, अगर मान लो आप 30,000 रुपए महीना कमाते हो, तो अगर मान लो आपके डिनर में 4 सब्जियां बनती है, अगर मान लो आपकी इनकम 30,000 से 40,000 हो गई, तो आप क्या करोगे, पहले हम 4 सब्जियां बनाते थे, अब जो है 5 या 6 बनाते हैं और एक दो मीठे वाले आइटम भी बनाते हैं क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है। तो आप जो है एकदम से डिमांड को इंक्रीज करोगे। लेकिन अगर मान लो आपकी इनकम फिर 40,000 से 60,000 हो गई, तो अब आप क्या कहोगे कि और बनाते हैं, काम करते हैं और अच्छा बनाते हैं, और ज्यादा चीजें बनाते हैं। लेकिन एक लिमिट तक ही बनाओगे ना, ये थोड़ी ना है कि मेरी इनकम बढ़ गई, पहले मैं 4 रोटी खाता था, अब मैं जो है 20 रोटी खाऊंगा, मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं खाऊंगा, ये कोई लॉजिक थोड़ी ना हुआ। जितनी आपकी नेसेसरी होगी उतनी तो आप डिमांड करोगे, एक लिमिट के बाहर तो नहीं जाओगे। आपको सपोज मेडिसिन खानी है तो मेडिसिन आपके लिए नेसेसरी गुड्स है, लेकिन जितने मेडिसिन आपके लिए खानी जरूरी होगी एक टाइम में, मान लो अगर आपको बोला जाए कि आपको 2 या 3 गोलियां खानी है, तो आप ये थोड़ा कहोगे मेरी बहुत इनकम है मैं बहुत कमाता हूं मैं 10 गोली खाऊंगा, ये थोड़ा हो सकता है। जितनी आपको जरूरत होगी आप उतनी तो लोगे, जितनी आपको डॉक्टर बोलेगा आप उतना ही तो लोगे, ये थोड़ी ना कहना शुरू कर दोगे भाई मेरी इनकम बहुत ज्यादा है। तो इनकम हमारी इंक्रीज करती है तो हमारी नेसेसरी गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज करती है, लेकिन एक पॉइंट तक इंक्रीज करती है, एक पॉइंट के बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद वो नहीं बढ़ती। वंस कंज्यूमर अटेंड द पोजीशन ऑफ सैचुरेशन हिज डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स विल बिकम कांस्टेंट। उसके बाद डिमांड कांस्टेंट हो जाएगी, फिर चाहे आपकी इनकम कितनी भी बढ़ती रहे। तो आपको क्लियर हो गया तीनों टाइप्स के गुड्स। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो इसमें हम देखेंगे कि कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट में क्या चेंज आया, और हमेशा की तरह हमारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, यानी चेंज किस में आएगा, सिर्फ
कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेस्ट प्रेफरेंस एंड हैबिट सऊदी कंज्यूमर। तो बिल्कुल सही बात है, जो कमोडिटी की डिमांड होती है वो डायरेक्ट रिलेटेड होती है किस चीज से, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस और हैबिट से। कंज्यूमर को किसी चीज का टेस्ट अच्छा लगेगा तभी तो वो परचेस करेगा, उसकी जो प्रेफरेंस होगी उसी हिसाब से वो खरीदता है या उसकी जो हैबिट्स हो जाती है उसी हिसाब से वो कम या ज्यादा परचेस करता है। तो डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारा कमोडिटी की डिमांड कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस से। डिमांड फॉर दोस गुड्स इंक्रीज फॉर विच अ कंज्यूमर डेवलप फेवरेबल टेस्ट, तो उन सभी सामान की डिमांड बढ़ जाती है जिनके लिए कंज्यूमर जो है फेवरेबल टेस्ट डेवलप कर लेता है, यानी कंज्यूमर्स को वो सामान पसंद आ गया। अगर उसका किसी प्रोडक्ट को लेकर टेस्ट फेवरेबल डेवलप हो गया, उसको सामान पसंद आ गया, तो उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से इंक्रीज कर जाएगी। आपने देखा है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कंज्यूमर्स के आगे बर्बाद हो जाती हैं, अगर कंज्यूमर को पसंद नहीं आया तो बस आपका सामान गया। लेकिन वही चीज अगर कंज्यूमर को पसंद आ गई तो बस आपको ऊपर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कंज्यूमर को अगर टेस्ट पसंद आ गया तो बस फिर तो आपका सामान बिकता ही जाएगा। अ चेंज इन प्रेफरेंस और हैबिट आल्सो अफेक्ट द डिमांड, टेस्ट के अलावा हमारी जो प्रेफरेंस और हैबिट्स होती है वो भी डिमांड को अफेक्ट करती है। पहले के टाइम पे क्या होता था, हम जो है स्मॉल मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे, वो बटन वाला फोन आता था छोटा सा, वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ, वो फोन जो है आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, या हम कह सकते हैं कंज्यूमर के टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। कंज्यूमर को पसंद नहीं है वो फोन लेना, वो जो बड़े बड़े स्मार्टफोन लेते हैं एप्पल वाले फोन लेते हैं, अब वो छोटे मोटे फोन नहीं लेते। कंज्यूमर का उसके लिए फेवरेबल टेस्ट नहीं बनता, कंज्यूमर की प्रेफरेंस में वो छोटे छोटे फोन नहीं आते, उसको आप बड़े फोन लेने की आदत है। तो उनकी डिमांड क्या हुआ, गिर गई, उनकी डिमांड घट गई, इट्स डिमांड विल फॉल। वहीं मॉर्निंग टी और कॉफी हैबिट्स इंक्रीज इट्स डिमांड, तो सुबह सुबह क्या होता है हमें चाय पीने की या कॉफी पीने की आदत होती है, चाय कॉफी हमें चाहिए चाहिए, क्यों, क्योंकि आपकी ये हैबिट बन चुकी है, इसके बिना आप नहीं जी सकते। तो जैसे ही कोई भी सामान कंज्यूमर की हैबिट बन जाता है तो उस कमोडिटी की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है। तो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस या फिर मैं कहूँ हैबिट की वजह से भी जो है डिमांड ऑफ द कमोडिटी के ऊपर बहुत अच्छा खासा इफेक्ट आता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशन एक्सेट्रा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो कई और चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, यानी हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का कई और चीजों से भी बनता है। एडवर्टाइजमेंट, उसने कहीं एडवर्टाइजमेंट देख लिया, आप टीवी देख रहे हो अचानक से आपके सामने कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, आप मोबाइल फोन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो अचानक आपके सामने कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया, तो आपको एडवर्टाइजमेंट से कोई चीज पसंद आ गई तो आप क्या करोगे, वो सामान परचेस कर लोगे, तो प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर गई। तो एडवर्टाइजमेंट से भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं और हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस बनता है। उसी तरीके से चेंज इन फैशन, फैशन में चेंज आएगा, अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो जाता है तो उसकी डिमांड खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, डाउनफॉल आ जाता है। लेकिन अगर कोई चीज फैशन में चल रही है, हर कोई उसी को खरीद रहा है, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट की वजह से भी हमारी कमोडिटी की डिमांड इफेक्ट होती है। अगर गर्मियों का मौसम है तो समर क्लोथ्स की डिमांड होती है, वहीं अगर मौसम सर्दियों का है तो वुलन क्लोथ्स की डिमांड होगी। न्यू इन्वेंशन, मार्केट में कोई नया इन्वेंशन आ जाए, कोई नया मोबाइल आ जाए, कोई नया लैपटॉप आ जाए, अचानक से जो है कोई किसी सॉफ्टवेयर का नया फीचर लॉन्च हो जाता है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है बहुत तेजी से। तो न्यू इन्वेंशन के कारण भी जो है प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस बनता है। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ देयर इज अ पॉजिटिव फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस देन डिमांड फॉर द कमोडिटी विल राइज एंड वाइस वर्सा। तो हमारे अदर फैक्टर तो कांस्टेंट रहेंगे, तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस को लेकर कोई फेवरेबल चेंज है यानी पॉजिटिव चेंज है तो उस केस में क्या होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। वहीं अगर किसी प्रोडक्ट के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को लेकर नेगेटिव चेंज है यानी अनफेवरेबल चेंज है तो उसका डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। तो इस हिसाब से भी हमारी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। आपको पता चल जाता है आने वाले वक्त में ये सामान जो है महंगा होने वाला है, आज ही खरीद लेते हैं, बाद में महंगा क्यों खरीदे, आज ही उसका स्टॉक भर लेते हैं, बहुत सारा खरीद लेते हैं। इफ देयर इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट राइज इन प्राइस देन एट प्रेजेंट डिमांड राइजेस एंड इफ देयर इज अ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट फॉल इन प्राइस देन एट प्रेजेंट डिमांड फॉल्स। तो अगर आपको लगता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस आगे जाके बढ़ने वाला है, तो क्या होगा, प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लोग आज ही उसको खरीदना शुरू कर देंगे कि आगे जाके महंगा हो जाएगा, आज ही खरीद लेते हैं। वहीं अगर लगे कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होने वाला है, घटने वाला है, तो प्रेजेंट में क्या होगा, उस कमोडिटी की डिमांड घट जाएगी। लोग कहेंगे फ्यूचर में तो प्राइस घटने वाले हैं, आज नहीं खरीदते, बाद में जब सस्ता होगा तब खरीद लेंगे। तो जो लोग खरीदने का प्लान भी कर रहे थे वो लोग भी अभी प्लान को कैंसिल करेंगे और कहेंगे बाद में खरीदेंगे जब सस्ता होगा। तो एट प्रेजेंट क्या होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड घट जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कहती है प्राइस आगे जाके बढ़ने वाला है, तो एट प्रेजेंट क्या होगा, डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, आज ही हम उस सामान को खरीदना शुरू कर देंगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कहता है कि आने वाले टाइम में सामान सस्ता होने वाला है, तो एट प्रेजेंट क्या होगा, हम उस प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देंगे कि जब सस्ता होगा तब खरीद लेंगे। जनरली ऐसा कहा होता है शेयर मार्केट के अंदर, जब लगता है कि किसी कंपनी के शेयर का प्राइस गिरने वाला है तो हम क्या करते हैं, फटाफट शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। वहीं हमें लगता है कि किसी शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तो लोग आज ही उस शेयर को खरीदना शुरू कर देंगे कि आगे जाके शेयर जो है महंगा होने वाला है, आज ही खरीद लेते हैं, तो उसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ेगी तो जितना प्राइस बढ़ने वाला था उससे ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड जो है एकदम से बढ़ गई। तो शेयर मार्केट में ज्यादातर ये देखा जाता है
कि हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देखकर शेयर को खरीदते बेचते हैं। किसी और दिन बात करेंगे डिटेल में शेयर मार्केट को लेकर, बहुत कुछ बात करने का मन करता है आपसे लेकिन टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए कभी और डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर आराम से। और मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में भी कुछ जानकारी दूंगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करी जाती है, शेयर परचेस और सेल होता है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अदर फैक्टर ऊपर वाले को छोड़ के बाकी कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनमें चेंज आने की वजह से हमारी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स लाइक साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज की वजह से भी हमारी कमोडिटी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज करती है। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, देयर इज अ राइज इन पॉपुलेशन। तो जैसी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, डिमांड जो है प्रोडक्ट की इन जनरल यानी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस कंट्री के अंदर डिमांड भी ज्यादा होगी। सीधी बात है, ज्यादा लोग रहते हैं तो ज्यादा सामान चाहिए कंज्यूम करने के लिए। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, तो इंडिया के अंदर डिमांड भी बहुत ज्यादा है। वहीं अगर बात करें किसी दूसरी कंट्री की, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, रशिया को देख लो, वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहाँ डिमांड भी बहुत कम है। तो जिस कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस कंट्री के अंदर डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए जो चाइना है वो क्या करता है, वो अपनी जरूरत से ज्यादा सामान को प्रोड्यूस करता है, यानी जितने उसके कंट्री के लोगों को चाहिए उससे बहुत ज्यादा सामान को बनाता है और इंडिया के अंदर डंप करता है उस सामान को। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जो भी सामान बनाएगा वो इंडिया में बिक जाएगा, इंडिया की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन जिस कंट्री की, जिस इकोनॉमी की ज्यादा होती है वहाँ एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा होती है। वहीं किसी इकोनॉमी के अंदर अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होती है। तो आप चाहे इकोनॉमी या कंट्री के हिसाब से ले लो, चाहे कोई पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से ले लो, अब दिल्ली और मुंबई ये शहर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पर यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पर डिमांड भी ज्यादा है। वहीं अगर आप चले जाओ सिक्किम के अंदर, वो छोटा सा राज्य है, वहाँ पर जो है पॉपुलेशन कितनी कम है। गोवा चले जाओ, वहां पर भी पॉपुलेशन कम है तो वहां पर डिमांड कम होगी। तो किसी भी जगह को आप देख लो, आप चाहे कोई इकोनॉमी देख लो, कोई स्टेट देख लो, पॉपुलेशन के हिसाब से हमेशा डिमांड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है। आप अपने फैमिली में ही देख लो, अगर ज्यादा लोग होंगे, फैमिली मेंबर ज्यादा होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, वहीं अगर फैमिली मेंबर कम होंगे तो डिमांड कम होगी। तो डिमांड में पॉपुलेशन की वजह से भी चेंजेस आते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज डिमांड डिक्रीज। सेटरस वेरिएबल्स यानी अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ पॉपुलेशन में चेंज आएगा, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, पॉपुलेशन की वजह से डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है। दूसरा है हमारा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन तो हमने देख लिया, अब पॉपुलेशन के अंदर भी फर्दर कैटेगरी होती है, पॉपुलेशन को भी हम आगे कैटेगराइज कर रहे हैं किस हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से। कंपोजिशन के हिसाब से का मतलब क्या है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड फॉर अ कमोडिटी आल्सो डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इफ इन अ सोसाइटी नंबर ऑफ ओल्ड पर्सन इज लार्ज, देन गुड्स यूज्ड बाय देम सच एज आर्टिफिशियल टीथ, मेडिसिन, वॉकिंग स्टिक्स, स्पेक्टिकल्स एक्सेट्रा विल हैव अ लार्जर डिमांड। ऑन द अदर हैंड इफ अ सोसाइटी नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज मोर देन गुड्स यूज्ड बाय देम एज अ बेबी फूड, टॉफीज, टॉयज एक्सेट्रा विल हैव लार्जर डिमांड। पॉपुलेशन के अंदर भी आप डिवाइड कर दो कैटेगरी वाइज, चिल्ड्रन को अलग बांट दो, यंगर पर्सन को अलग कर दो और ओल्ड पर्सन को अलग कर दो, तो हर किसी की डिमांड अलग अलग होती है सोसाइटी के अंदर। जिस सोसाइटी के अंदर बच्चे ज्यादा रहते हैं वहां पर बच्चों के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, वहीं जिस सोसाइटी के अंदर ओल्ड पर्सन ज्यादा रहते हैं तो वहां पर उनके हिसाब से प्रोडक्ट की डिमांड होगी। ओल्ड पर्सन को क्या चाहिए, आर्टिफिशियल टीथ, मेडिसिन, वॉकिंग स्टिक, स्पेक्टिकल्स, तो इन सब की डिमांड जो है उस एरिया के अंदर ज्यादा होगी। डिपेंड करता है पॉपुलेशन का कंपोजिशन किस तरीके का है। चाइना के अंदर देख लो क्या चल रहा है इस टाइम पर, ओल्ड पर्सन बहुत ज्यादा है, चाइना के अंदर इस टाइम पर ओल्ड पर्सन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अभी चाइना पॉपुलेशन में नंबर वन है, आगे जाकर इंडिया नंबर वन होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है ओल्ड पर्सन है, आगे जाके वो खत्म हो जाएंगे तो वहां की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, इंडिया की पॉपुलेशन उससे ऊपर आ जाएगी, इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि इंडिया के अंदर इस टाइम पर पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंगर जनरेशन है, सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो 20 इयर्स से 40 इयर्स के बीच इंडिया के अंदर है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड होती है, मोबाइल फोन्स की, लैपटॉप की, नए नए क्लोथ्स की, जो लेटेस्ट फैशन के क्लोथ्स आते हैं उनकी डिमांड ज्यादा होती है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया के अंदर ज्यादा होती है। तो जिस हिसाब से आपके सोसाइटी के अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन का कंपोजिशन होगा उसी हिसाब से आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ देयर इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम in the society then aggregate demand will be more, and on the other hand if there is inequality in distribution of income then aggregate demand will be less. to agar aapki economy ke andar income ka distribution equal ho raha hai to aapki aggregate demand increase karegi, wahi aapki agar economy ke andar income ka distribution unequal ho raha hai to aapki aggregate demand fall kar jayegi, aggregate demand kam ho jayegi. ab dekho ye kaise hota hai, india ke andar kya hota hai, inequality hai distribution of income ke andar, ameer ameer hota ja raha hai, gareeb gareeb hota ja raha hai। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इंडिया के अंदर इक्वल नहीं है, कई लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कई लोगों के पास बहुत कम पैसा है। इंडिया के अंदर 2-5% जो पॉपुलेशन है उनके पास कंट्री की 90% इनकम है, और वहीं अगर बात करें 95% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 5-10% इनकम है, यानी उनके हाथ में सिर्फ 5-10% इनकम आती है, और 2-5% जो अमीर है उनके पास कंट्री की 90% इनकम आती है। तो इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक अजीब सी इकोनॉमी है जिसमें अमीर भी बहुत अमीर है और गरीब भी बहुत गरीब है। इंडिया के अंदर जो है वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल भी रहते हैं
और वन ऑफ द पुअरेस्ट पीपल भी रहते हैं। बाकी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं होता, इतना इनकम गैप नहीं होता। तो अगर जिस इकोनॉमी के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, जैसे कि इंडिया के अंदर होता है, तो इंडिया के अंदर जो है 95% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 5-10% इनकम है, तो उतने में वो कितना डिमांड कर लेगी, अपनी डिमांड को कितना इंक्रीज कर लेगी, उसके पास पैसा तो है नहीं। वहीं 2-5% लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन वो है तो सिर्फ 2-5% लोग, वो करते करते भी कितनी डिमांड इंक्रीज कर लेंगे, 95% लोगों के बराबर तो नहीं पहुंच सकते। तो इंडिया के अंदर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वरना डिमांड तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती। जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है, उस हिसाब से इंडिया की डिमांड नहीं है। वहीं अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता तो क्या होता, 95% जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनके पास भी पैसा होता, तो वो लोग कितनी सारी डिमांड कर सकते थे, कितनी ज्यादा डिमांड हमारी इंक्रीज हो सकती थी। तो जहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है वहां पर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, लेकिन जहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है वहां पर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होती है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल होगा तो आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज करेगी। वहीं अगर आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा तो वहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होगी। अब देखो जितने फैक्टर्स हमने पढ़े ऊपर, हमने कितने पॉइंट्स पढ़े, हमने टोटल पढ़े 6 पॉइंट्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस और अदर फैक्टर्स, ये 6 पॉइंट पढ़े हमने। ये 6 पॉइंट्स के अलावा भी और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम अबव फैक्टर्स, ऊपर वाले फैक्टर्स को छोड़कर जो हमने पढ़े अभी 6 फैक्टर्स, उसके अलावा भी और भी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिपेंड होती है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन सीजन, मैरिटल स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर, लेवल ऑफ एजुकेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एक्सेट्रा। तो ऊपर वाले फैक्टर्स को छोड़कर इन सारे फैक्टर्स के ऊपर भी हमारी कमोडिटी की डिमांड डिपेंड होती है। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ इनकम का टॉपिक खत्म हो गया। तो हमने फैक्टर्स को अच्छे से समझ लिया, डिटेल में समझ लिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हमें देखना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड, तो इसको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो जाने से पहले जो आप इन क्लासेस से फीडबैक जरूर देना, उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें आगे क्लासेस कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी। तो आप क्लासेस देखोगे तो आप साथ में फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।